हेलो मेटाटॉटर्स, आप सभी का स्वागत है मथुरा वृंदावन सीरीज के पार्ट 3 में। श्री कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन करने के बाद अब हम चल पड़े हैं द्वारिकाधीश मंदिर की तरफ। हमने हायर की एक ई रिक्शा जिसने हमें छोड़ा मेन द्वार पे। मेन द्वार से दोस्तों मंदिर की दूरी लगभग 500 मीटर है। हमने डिसाइड किया कि हम चल कर जाएंगे। तो दोस्तों हम देखना चाहते थे यहाँ की गलियाँ, यहाँ की मार्केट, और यहाँ आकर तो बिल्कुल ऐसा लगा जैसे हम बनारस की ही किसी गली में घूम रहे हों। तो दोस्तों द्वारिकाधीश मतलब द्वारिका के राजा श्री कृष्ण को समर्पित है ये मंदिर। मंदिर अब थोड़ी दूर रह गया है, ये विश्राम घाट के लिए रास्ता अरे भैया राधे राधे। यह मंदिर 200 वर्ष ईसा पूर्व में बना बताया जाता है दोस्तों। दोस्तों इस मंदिर में द्वारिका नाथ की जो प्रतिमा है वह काले मार्बल में बनी हुई है और यकीन मानिए उनको देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। दोस्तों इस मंदिर में सिर्फ भगवान कृष्ण की नहीं बल्कि राधा रानी की भी पूजा होती है। दोस्तों यह मंदिर पुष्टि मार्ग परंपरा का पालन करता है जिसमें श्री कृष्ण भगवान की भक्ति और प्रेम पर जोर दिया गया है। तो लीजिए दोस्तों हम पहुंच गए हैं मंदिर के ठीक सामने और कुछ ही सीढ़ियां चढ़कर आप अंदर जा सकते हैं। दोस्तों मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है उसे बनाने के लिए ग्वालियर के महाराजा दौलत राव सिंधिया और खजांची सेठ गोविंद दास पारिख के प्रयासों के द्वारा ये स्वरूप दिया गया है। दोस्तों इस मंदिर में हिंडोला फेस्टिवल के दौरान श्री कृष्ण और राधा जी की मूर्तियों को एक साथ झूले पर बिठाया जाता है। उन्हें बहुत ही सुंदर तरीके से फूलों से सजाया जाता है। दोस्तों जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, होली और दिवाली पर इस मंदिर में क्या धूम मचती होगी, भक्तों की क्या शोभा होती होगी, इसका वर्णन और इसका इमेजिनेशन आप खुद कर लीजिए। दोस्तों भीड़ बहुत थी और पर आखिरकार भगवान के दर्शनों के लिए पर्दे को हटा दिया गया, पर भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि हम बिल्कुल भी दर्शन कर ही नहीं पाए। दोस्तों काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद हमें थोड़ा सा भीड़ कम होने पे मौका मिला ताकि हम सामने से दर्शन कर सकें। लीजिए आप भी देख लीजिए। दोस्तों एक बार दर्शन करने से मन तो बिल्कुल भी नहीं भरा और श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने से हटने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, पर और भी लोग दर्शनों के लिए थे। सबकी सुविधा का ध्यान रखते हुए लोग दर्शन करते जा रहे थे और सामने से हटते भी जा रहे थे। वैसे तो भगवान हर जगह विराजमान है दोस्तों, पर क्या करें कुछ स्थानों पर इनके प्रेजेंस, इनकी अनुभूति कुछ ज़्यादा ही होती है। आप देख सकते हैं किस तरह से होड़ लगी हुई है वीडियो बनाने की, फोटोज़ खींचने की भगवान श्री कृष्ण के। दोस्तों इस प्रसिद्ध मंदिर में जब आप जब भी जाएं तो मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है यहाँ कुछ देर रुककर भगवान के नाम का कीर्तन संकीर्तन जरूर करें, मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। और यहाँ से जाने का भाई सचमुच में बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं मंदिर के बाहर और मंदिर के बाहर सड़क काफ़ी तंग है, भीड़ भी काफ़ी होती है, पर असुविधा चाहे जो भी हो दर्शन
का फल इतना है, ये मंदिर इतना प्रसिद्ध है कि रहा ही नहीं जाता। नेक्स्ट वीडियो में हम जा रहे हैं विश्राम घाट की आरती देखने यमुना जी की। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।